ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जिला मुख्यालय के नू शहर स्थित गामा अस्पताल में बीते दिनों जमशीदा का ऑपरेशन करवाया गया था। ऑपरेशन के दौरान सर्जन डॉक्टर व अस्पताल संचालक पर परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। नू जिले के उपायुक्त व सिविल सर्जन को दी शिकायत में पीड़िता जमशीदा के देवर जुबैर ने डॉक्टर अजरुद्दीन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उक्त डॉक्टर ने उनकी भाभी के पेट की थैली के ऑपरेशन के दौरान काफी लापरवाही बरती। उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि शुरुआत में बीते 3 नवंबर 2022 को अपनी भाभी जमशीदा का अल्ट्रासाउंड नूह के महाजन केंद्र पर करवाया था, जिसमें उनके पेट की थैली पर पत्थर के बारे में पता चला, जिसके बाद इलाज के लिए अपनी भाभी को अगले दिन 4 नवंबर 2022 को नूह के गामा अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज काफ़ी जगह दिखाई भी है। अब हमने लास्ट माह के ABM हॉस्पिटल में एडमिट किया 4 तारीख को। 4 तारीख को एडमिट किया है तो कुछ सर्जनों से बात की, इसके अंदर है कुछ, यहाँ सर्जरी हो सकती है या नहीं हो सकती, तो बाकी सर्जनों ने कुछ नहीं देखा, सब ने क्लियर मना कर दिया, ये तो बड़ा केस है, ये हमारे पास नहीं हो पाएगा, आप इसको हायर सेंटर या कहीं भी ले जा सकते हो हमारी तरफ से। तो हमने फिर आगे गुड़गांव जगह जगह बात की, तो कहीं कोई 5 लाख कोई, हमें रेवाड़ी के लिए ERCP भी बोलते हैं जिसको, वो करवाने के लिए भेज दिया 5 तारीख में, 5 में उसको करवा के वहाँ एडमिट रहिए 5 में, फिर वहाँ सुबह एडमिट रहिए, फिर हम वहाँ 2 बजे करीब वहाँ गए हैं रेवाड़ी, रेवाड़ी से ERCP करवा के फिर गामा हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिए। फिर इसका 6 तारीख में ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन के बाद में फिर इसकी 8 तारीख को 2 दिन बाद ही डिस्चार्ज कर दिया इसको। इसमें जो उन्होंने लिखा है कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने ऑपरेशन करवाया था, ऑपरेशन के टाइम में उन्होंने कुछ पेट में दिक्कत आई उनके, ऑपरेशन के बाद फिर वो चेक करवाने चले गए, एक जगह दिखाया, उसी डॉक्टर को 2-3 बार दिखाया, वो कहता कुछ नहीं, आकर मैं ठीक हो जाएगा, दवाई देता रहा। उसके बाद वो किसी और प्राइवेट हॉस्पिटल में गए जहाँ वो सोचे सोना गए, फिर कहीं और गए उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, वो 2-3 दिन दवाई ले फिर ठीक हो जाए, फिर चलता रहे, तो उनका दर्द ठीक नहीं हुआ, फिर जो उनको कहीं और हॉस्पिटल दिखाया गया, उनको जो लगा कि किस तरह से ऐसा किया जाए कि दर्द ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए, जो डॉक्टर जिसने ऑपरेशन किया था वो यही कहता था बस दवाई ले लो ठीक हो जाएगा, जो उसने कंप्लेंट में लिखा है वो ये चीज़ लिखी है, बाकी कंप्लेंट मेरे पास आ गई है, मैं इस कंप्लेंट को अपने जो